सांगानेर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, जनता में दौड़ी खुशी की लहर। वैसे तो सांगानेर नगर निगम के द्वारा कभी कभी औपचारिकता पूर्ण अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलती रहती थी, वह भी जब सांगानेर नगर निगम प्रशासन के पास ज्यादा शिकायतें पहुंच जाती थी और दबाव बनने लगता था। लेकिन इस बार जेडीए की परिवर्तन शाखा और ग्रेटर नगर निगम की सतर्कता शाखा तथा पुलिस प्रशासन के सहयोग से सांगानेर में दो ग्रुप बनाकर, एक ग्रुप चौड़िया पेट्रोल पंप से लेकर मालपुरा गेट तथा स्वामादेपुर रेलवे टूटी पुलिया रोड तक और दूसरा सिटी एस बस स्टैंड से लेकर खटिको की डाल तक, सड़क के दोनों तरफ लगी होर्डिंग, साइन बोर्ड, थड़ी, ठेले, तिरपाल, सब्जी वालों के स्थायी अतिक्रमण को संयुक्त रूप से हटाया गया। मीट की दुकानों पर खार खाए बैठे प्रशासन ने 275 जिंदा मुर्गे, 100 किलो अवैध मीट तथा कार्रवाई के दौरान मीट की 7 दुकानों पर ताले लगाए। बहुत से दुकानदारों को अपने हाथों से टीन चद्दर खोलते हुए देखे गए। देखते हैं इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का सांगानेर की मार्केट पर कितना स्थायी असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रॉयल पत्रिका, सादिक हिंदुस्तानी। हाँ जी, आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम है राजकुमार शर्मा। ये दुकान अपनी है? ये दुकान अपनी है। अच्छा, जो अतिक्रमण अभियान जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अतिक्रमण अभियान सही चल रहा है, पर इसमें बहुत सारी कमियां हैं अभी तक। क्या क्या? क्योंकि इसमें पानी, एक तो हेरिटेज लुक चाहिए हमको यहाँ पर सबका, और यहाँ पर पानी बढ़ता है सबसे ज्यादा। एक तो बरसात के दिनों में इतना पानी बढ़ता है कि पूरा नीचे नदी बन जाती है पूरी। ये मतलब आपका कहना का ये है कि नगर निगम इसमें भी ध्यान दे, इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सफाई, ये तो सफाई का बहुत गंदा काम है सांगानेर में। सफाई अभियान बहुत चलना चाहिए, और ये पिल्लर वगैरह, तार वगैरह जो ऊपर है, ये भी पूरा साफ होने चाहिए। इसको एक हेरिटेज लुक के अंदर दिया जाना चाहिए पूरे बाजार में, और सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा कचरे, ढेर वगैरह बहुत ज्यादा पड़ जाते हैं, झाड़ू काटने वाले कभी नहीं आते यहाँ पर। और जो भी यहाँ पर जो तार वगैरह ऊपर के बहुत ज्यादा, ये भी हटने चाहिए पूरी तरह से। अभी तो आप अतिक्रमण के बारे में बताइए, जो लोगों ने वहाँ पर आगे बढ़ाए उसके बारे में क्या है? ये अच्छा काम हुआ है अतिक्रमण ने से, यहाँ पर ग्राहक की बहुत सुविधा रहेगी। पार्किंग की कमी है सबसे बड़ी, तो पार्किंग भी बनना चाहिए। अतिक्रमण तो खैर हुआ ही हुआ है, अतिक्रमण से बहुत अच्छा हटने से अच्छा काम हुआ है, ग्राहक की बढ़ेगी, इससे क्या कि विकास होगा एक तरह से। विकास जरूरी है, जब भी सबसे दुखता जब इसमें रेगुलर आए यहाँ पर, एक बार हटा के नहीं, यहाँ पर रेगुलर ड्यूटी लगनी चाहिए जब जाके सक्सेस होगा। मतलब आपका ये है कि लोग अतिक्रमण आता हटा लेते हैं, इसके बाद फ्लैट मतलब कर लेते हैं वापस, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे आप नगर निगम प्रशासन को? प्रशासन को ये संदेश कि हमको रेगुलर ड्यूटी रखे, साफ सफाई की ज्यादा ध्यान रखे। यहाँ पर साफ सफाई बिल्कुल नहीं रहती, यहाँ पर तालाब बन जाता है। एक तो जो पानी है बरसातों का, ये हटना जो बहुत जरूरी है यहाँ पर। एक 15 मिनट बरसात आएगी उसके अंदर पूरा रोड तालाब बन जाएगा, नदी। मेरा नाम कैलाश कुमार शर्मा है। अच्छा, आपने दुकान कहाँ पर है? मनाज मंडी के अंदर। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों का जो अतिक्रमण है ये तो हटा दिया, बहुत अच्छा किया, पर प्रशासन का भी अतिक्रमण हटना चाहिए। जो रोड के बीच में बिजली के पोल लगे हुए हैं वो अब तक हटे नहीं है, इनको डिवाइडर के बीच में शिफ्ट किया जाए। मार्केट 80 फुट का है, मालपुरा गेट के दोनों साइडों में स्लिप लेन कटना चाहिए ताकि ट्रैफिक कम हो। जैसे न्यू गेट है, चांदपुर गेट है, उस तरीके से होना चाहिए। मनाज मंडी के अंदर पानी का डैमेज सिस्टम का इतना बुरा हाल है कि डिवाइडर तक पानी बढ़ता है। बीजेपी सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार आ गई, सबको हमने कह दिया, पर पानी का अभी तक सिस्टम नहीं हुआ, और नहीं कोई व्यापार मंडल इसके बारे में कोई प्रशासन के कोई वक्तव्य नहीं देना चाहता है। इसके अलावा अतिक्रमण हटाया, इस अतिक्रमण में हम सहमत है, व्यापारियों के साथ हम है, प्रशासन के साथ है, पर प्रशासन भी इस तरीके से ध्यान दे कि बिजली के पोल जो मेन रोड पे लगे हुए हैं, बक्से बिजली के मेन रोड पे लगे हुए हैं, इसके अलावा अतिक्रमण जो है जो उसके अंदर मालपुरा गेट से भी दोनों साइडों में स्लिप लाइन काट के ट्रैफिक कम किया है, और डिग्गी मालपुरा गेट पर जो अतिक्रमण है इससे प्रशासन नहीं तो अभी तक हटाया नहीं, हटे बिल्डिंग लेवल से हटना चाहिए पूरा। क्या कह रहे हो आप? ये यहाँ पे ना कुछ पार्क है पूरा, कल है ना एसीपी और कॉन्स्टेबल आए थे, ऐसे बोले कार्रवाई करूँगा मैं तेरे ऊपर ना, पहले ही पता चल गया सब। मतलब वो कल आए थे तो उनको, मतलब उनको सबको क्या कहें दुकान वाले से? ऐसे बोले ना हटा दो नहीं तो कार्रवाई करेंगे, फिर कल मत बताना, हम बोले नहीं इसलिए आज
इसलिए आज ये कार्रवाई हुई है ना। और क्या कहना चाह रहे हैं, सही हो रहा है काम? ये सही हो रहा है। अच्छा, ये अब अच्छा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ? कुछ बार को खाली कर दिया, सही 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 चलने की व्यवस्था हो गई। थैंक यू।